हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राजस्थान जीके कैप्सूल में। राजस्थान जीके के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग, जहां हम बहुत ही आसानी से रोचकता के साथ राजस्थान जीके के 20 प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रखते हैं। यह प्रश्न आगे पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को हम डेली यहाँ पर करते हैं। आज हमें ये करते करते बहुत समय हो चुका है और आज ये हमारा 28 नंबर का जीके कैप्सूल है। शुरुआत करता हूँ मैं कैप्सूल की। पहला प्रश्न अपने पास है, रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों प्रश्न को देखिए, रणथंभौर का नाम जहाँ पर आता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है रणथंभौर की जियोग्राफी क्या है, यानी रणथंभौर राजस्थान में कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों रणथंभौर राजस्थान में एक जिले में पड़ता है, उस जिले का नाम है सवाई माधोपुर। और क्या फेमस रणथंभौर में है? रणथंभौर में वहाँ पर नेशनल पार्क है, जहाँ पर नेशनल टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और गणेश जी का मंदिर भी है, जो कि बड़ी बड़ी बातें रणथंभौर के बारे में है जो अपन ने जान ली है। अब बात करते हैं, रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों राणा हम्बीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये हुआ था। राणा हम्बीर जो था वो रणथंभौर का राजा था, और अलाउद्दीन खिलजी तथा वो दिल्ली का था, और दिल्ली से उन्होंने इस पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के पीछे कारण क्या था? सुल्तान के जो वहां से निकाले गए लोग थे, उनको हम्बीर ने शरण दी थी, इस वजह से ये हुआ था। दूसरा प्रश्न अपना है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध यह था जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो का नाम आता है तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए ये क्या है। पृथ्वीराज रासो एक किताब का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ को लिखा था चंद बरदाई ने। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के जो राज कवि होता है उसमें से एक था, और चंद्र बरदाई ने ये लिखा था। चंद्र बरदाई ने ये लिखा था तो उसके अनुसार, उस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न अपना है, चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? दोस्तों चौहानों का मूल स्थान जो है अजमेर को नहीं माना जाता। अजमेर में कछावा वंश रहता है राजपूतों का, नागौर को भी नहीं माना जाता और जालौर को भी नहीं माना जाता। सपादलक्ष एक स्थान है, सपादलक्ष उसे मूल स्थान यहाँ पर माना जाता है। 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट के वीडियोस लिए थे। अजय पाल नाम के राजा ने ये की थी अजमेर की स्थापना, और अजय पाल के नाम पर ही अजमेर का नाम अजमेर पड़ा। आगे अगर मैं बात करूँ, अपना प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ होता है? दोस्तों इस स्थान का नाम बड़ा अटपटा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ता है। जो सीधे सीधे नाम है उनको पहले काट देता हूँ, सांबर, अजमेर, जालौर यहाँ पर नहीं हुई थी। अनहिल पाटन बोलते हैं इसको, तो पाटन तो आपको याद रखना है, पाटन आसानी से याद हो जाएगा। पाटन में इनका जन्म हुआ था, अनहिल इसके आगे लगा देना है, अनहिल पाटन में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? दोस्तों सिवाना दुर्ग जो था उसको जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था। रणथंभौर दुर्ग का नाम अभी तक बदला नहीं गया है, चित्तौड़ दुर्ग का भी नहीं बदला गया है, और जोधपुर दुर्ग का नाम भी जो था वही है। तो ये तीनों प्रश्न तो ऑप्शन तो अपन वैसे गलत कर देते हैं, वैसे भी इसका आसन जो ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन वो होगा सिवाना, क्योंकि अपने तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत अपन ने कर दिए हैं। अगला प्रश्न अपना है, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो बहुत सारे लोगों ने संधि की थी। तो वर्तमान में अपने एमपी के जो है सीएम, उनका क्या नाम है? शिवराज सिंह। तो सिरोही के एक शासक थे, उनका नाम क्या था? शिव सिंह। राज यहाँ से हटा दीजिए, शिव सिंह ने संधि की थी। किससे की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तराइन का मैदान कहाँ पर है? दोस्तों तराइन का मैदान हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहीं ये युद्ध हुआ था। तो तराइन जो है वर्तमान में हरियाणा के अंदर है। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे उनकी विजय हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला में किसकी हुई थी? तीसरे की। क्या रखना है? पहले में तीसरे की, एक में तीन याद रखना है। तीन क्वेश्चन कौन सा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? दोस्तों चंपारण की संधि जो है महाराणा कुंभा के विरुद्ध की थी। और एक बात और बता दूं, मालवा और गुजरात के शासक हैं तो डेफिनेटली मालवा और गुजरात किसके समक्ष में पड़ते हैं? अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो चित्तौड़ ही उनके पास में आता है। राजस्थान में अगर क्षेत्र बसता है तो उदयपुर और चित्तौड़ का वो इलाका है जो आता है। तो उदयपुर चित्तौड़ के राजा कौन थे? महाराणा कुंभा। उनके विरुद्ध में ही वो कार्य करें, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी ही लड़ाई करते हैं। एक लिंग महामात्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक द्वारा पूरा किया गया था? दोस्तों एक लिंग जो है, एक लिंग से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आए
उसमें आपको उदयपुर का, चित्तौड़ का ये ध्यान रखना है, उदयपुर चित्तौड़ के राजाओं के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, उनके ही वो प्रमुख देवता माने जाते हैं, एकलिंग भगवान जो है, और वो थे महाराणा कुंभा जो शासक थे अपने उदयपुर घराने के, जिसे हम कहते हैं चित्तौड़ का जो पूरा एरिया था उदयपुर संभाग में आता है, उन्हीं के द्वारा ये लेखन का कार्य करवाया गया था, इनके इनके शासनकाल में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया? दोस्तों महाराणा लाखा है इनका नाम, महाराणा लाखा का शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किया गया, और ये निर्माण एक बंजारे ने किया था। अगला प्रश्न अपना है, किस शासक को मानवों का खंडर व सैनिकों का भना वैश कहा जाता है? दोस्तों इस शासक को मानवों का तो खंडहर और सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। इस शासक का नाम है महाराणा सांगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, महाराणा सांगा, महाराणा लाखा और महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा जो थे उन्होंने तो झील बनाई थी पिछोला, महाराणा कुंभा है उन्होंने क्या बनवाया था, उन्होंने दुर्ग बनवाया था जो कि राजसमंद के अंदर है। और एक बात और बताऊं, महाराणा कुंभा ने एक जमीन दी थी, वो जमीन दी थी रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जो मंदिर थे उनके लिए, ऋषभ देव भगवान के जो मंदिर है रणकपुर में, उसमें जमीन जो थी महाराणा कुंभा ने ही दी थी। आपको ये सारा लॉजिक समझ में आ गया होगा, लाखा का, कुंभा का, सांगा का। आगे अगर मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? दोस्तों खिज्जाबाद इसका नाम रख दिया था चित्तौड़ विजय के बाद, और खिज्जाबाद इनका नाम है। मेवाड़ का प्रथम शाका किस शासक शासनकाल में घटित हुआ? प्रथम शाका किस शासन शासनकाल में घटित हुआ? दोस्तों इन शासक का नाम है रत्न सिंह, रतन सिंह के शासनकाल में यह घटित हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों राव चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह जानते होंगे, महाभारत में एक सीन आता है वहां पर क्या होता है, भीष्म पितामह होते हैं वो सरसैया पे पड़े होते हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहते हैं, बहुत बड़े वो महात्मा होते हैं। राणा सांगा का संबंध कहाँ से है? दोस्तों मेवाड़ से है राणा सांगा का संबंध, बहुत ईजी प्रश्न है, इसको तो अंधे भी बता सकते हैं, बहरे भी सुना सकते हैं, गूंगे भी बोल सकते हैं, इतना ईजी है प्रश्न है। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दोस्तों नागदा जो थी वो गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, नागदा वर्तमान में एमपी में पड़ता है। अगला प्रश्न अपना है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? दोस्तों दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है, दिवेर का युद्ध है, हल्दीकाटे का युद्ध नहीं है। वह राजपूत रानी कौन सी थी जिन्होंने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के तेज चित्तौड़गढ़ जोहर कर लिया? दोस्तों सबको पता है इसका आंसर, पद्मिनी इनका नाम था, और पद्मावती भी नहीं हम कहते हैं, लेकिन पद्मिनी जो है मेन इनका असली नाम, इसलिए यहाँ पे बी आंसर है पद्मावती। अगर लिखा आता है तो आपको पद्मती और पद्मावती में पद्मिनी को लगाना है, पद्मावती को नहीं लगाना है, पद्मावती अगर ओनली आता है तो पद्मावती को लगाना है। कुशल माता का वह मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये है बदनौर में स्थित है दोस्तों, जोधपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ तो उन्होंने बनवाया था लेकिन माता का मंदिर इसमें नहीं है, उदयपुर में तो आपके एकलिंग जी का मंदिर है, तो बदनौर में यह है माता का मंदिर है। तो आज के ये अपने 20 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें लिख के जरूर बताइएगा। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, तो बहुत जल्दी आजकल हम इसको करते हैं, कारण ये है आपके पास भी समय कम है, हमारे पास भी समय कम है, समय का सदुपयोग करो दोस्तों, बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है, पढ़ाई में जुट जाइए, 2018 आपको सरकारी नौकरी दिलाने वाला साल घोषित हो सकता है अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसी भर्तियां आई डोंट थिंक कि बाद में फिर भी निकलेगी, इतनी एक साथ तो नहीं निकल सकती, ये आई डोंट नो क्यों हो रहा है, कोइंसिडेंसली है या संयोग बन रहा है, क्या चीज़ है इसके पीछे, क्या मंशा है सरकार की, या किस प्रकार से ये सरस्वती विराजमान है महारानी के सिर पे, लेकिन हो जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके हित में हो रहा है, आपके भले में हो रहा है, पॉलिटिकल बातों को भूल जाइए, अपनी पढ़ाई में लग जाइए, और पढ़ाई करेंगे तो जरूर जरूर एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.